करना है, लेकिन क्यों करना है? अगर तुम्हारे पास इस क्यों का जवाब बड़ा सटीक है ना, तो आपको किसी भी बाहरी मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं। बस उस कारण को याद कर लो यार, जिसकी वजह से आप करना चाहते हो, और एक भूख रखो, एक अनसेटिस्फैक्शन रखो अपने अंदर उस चीज़ को पाने का। वो अनसेटिस्फैक्शन ही आपको उस चीज़ तक ले जाएगा, वो असंतुष्टि ही आपको उस चीज़ तक ले जाएगी। इससे संबंधित एक किस्सा सुनाना चाहूँगा। एक दिन बातों ही बातों मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि यार तुम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। मेरे एक और दोस्त वहीं पास में बैठे थे, उन्होंने कहा यार अरे तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि जनरली हम लोगों में क्या है कि असंतुष्ट अगर हम किसी को कहते हैं तो ये काफ़ी निगेटिव माना जाता है। तो उसने उस पर गुस्सा किया, भाई ऐसा क्यों कह रहा हूँ? लेकिन मैंने अपने उस दूसरे दोस्त को बीच में ही टोका। मैंने कहा नहीं यार, वो बंदा ना बहुत सटीक बोल रहा है, उसने कुछ भी गलत नहीं कहा, वो बिल्कुल सही कह रहा है कि मैं अनसेटिस्फाइड हूँ और मैं हमेशा अनसेटिस्फाइड ही रहना चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू बी सेटिस्फाइड इन माई लाइफ। क्योंकि अगर वो बंदा जो आज से 50 लाख साल पहले छाल लपेट करके घूम रहा था, अगर वो सेटिस्फाई हो जाता ना, तो आज हम सब छाल लपेट कर घूम रहे होते। जो टेक्नोलॉजी, जो संसाधन, कंप्यूटर, लैपटॉप, एरोप्लेन, इंटरनेट, टीवी, सब कुछ, ये सब कुछ कुछ भी ना होता, ये सब कुछ किसी न किसी की असंतुष्टि का ही परिणाम है। वे सब असंतुष्ट थे दोस्त, उस पहले बंदे से लेकर के अब तक, क्योंकि उन्हें लगता है जो है वो काफ़ी नहीं है, कुछ ना कुछ बदलना चाहिए, कुछ ना कुछ बेहतर होना चाहिए। ग्राहमेल ने तो फ़ोन निर्माण कर दिया था, फिर हमें मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर ग्राहमेल के बाद सारे लोग सेटिस्फाई हो जाते तो क्या हम फ़ोन होता हमारे हाथ में, हम इसे यूज कर पाते, हम तक पहुँचता? नहीं पहुँच पाता। राइट ब्रदर्स ने भी तो कर दी थी एरोप्लेन की खोज, फिर भी रॉकेट की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमारी माता जी हमेशा एक बात कहती हैं, कहती हैं बेटा ठहरा हुआ पानी और इंसान दोनों सड़ जाते हैं, इसलिए चलते रहो। और हमेशा इस फील, इस थॉट के साथ जीना चाहिए कि हमें जो मिला है ना, वो किसी ना किसी के संघर्षों का परिणाम है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस प्रोग्रेस में, इस डेवलपमेंट में, इस सिविलाइजेशन की एक जो चक्र बना हुआ है, जो लगातार आगे की ओर अग्रसर है, इसमें हमें भी अपने हिस्से का कुछ ना कुछ जोड़ना चाहिए। और इस चीज़ को करने के लिए जब आप बढ़ोगे ना, तो आपके अंदर एक अलग ही जुनून आएगा, एक अलग ही भूख आएगी आपके अंदर कि हाँ मुझे कुछ करना है। और वो स्ट्रॉन्ग रीजन भी आपको मिलेगा कि आपको क्यों करना है। इसलिए दोस्तों बस चाहूँगा आज के लिए इतना ही है ना, और आशा करता हूँ कि आप हमारे विचारों से सहमत होंगे और लाइफ में हमेशा अनसेटिस्फाइड रहेंगे, कुछ ना कुछ नया करने की सोचेंगे। रुकना नहीं है, चलते जाना है, कुछ ना कुछ नया करना है। वाई हैव टू स्टॉप? वी डोंट हैव टू स्टॉप, वी हैव टू मूव डियर। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग।